ये खाली लोकल बॉर्डर बना के शूटिंग ये हुआ, शूटिंग पॉइंट डेजर्ट में था, डेजर्ट। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर दिखा था तो दोस्तों, ये सूरज देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम चल रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर थार डेजर्ट के अंदर। सुनने में आया कि यहाँ पे काफी भीड़ भड़ाक आता है, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा गर्मी की वजह से काफी माहौल कम हो गया। तो स्वागत है दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में। आज हम आए राजस्थान के जाने माने पहचाने रेतीले धोरों के बीच। इन रेतीले धोरों के बीच हम आज आपको बताने वाले हैं यहाँ के कुछ अनजान रहस्य, जिनको जानने के बाद आप भी कहेंगे ये राजस्थान हमारी आन बान शान है। तो हम आप पहुँचे हैं दोस्तों जैसलमेर के अंदर स्थित एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र की ओर हम अभी हम चल रहे हैं। काफ़ी रेतीली धुर्री हवाओं के बीच हम चलते चलते लगभग थक चुके हैं। 2 घंटे चलते चलते हमारे को हो चुके हैं। हम सुबह निकले थे घर से, होटल से, लगभग 7:30 के आसपास हम निकले थे। और अभी टाइम क्या हो रहा, अभी 10 बज गए था। वो मैंने एवरेज बताया था आपको कि लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है, अभी भी चलते जा रहे हैं। और ये है थार डेजर्ट, जिसको इंग्लिश में सम डेजर्ट भी बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है ये थार डेजर्ट। जैसलमेर आओ और इन रेतीले धोरों के बीच ना आए तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। और यहाँ आने के बाद आप एक बार वापस शायद ना आने की सोचोगे, कि यहाँ पैदल चलते चलते, गाड़ियों में चलते चलते, ऊँटो पे चलते चलते आप थक से जाओगे। पर ये कि यहाँ का जो आनंद है आप जीवन भर याद रखोगे। तो हमने मंगा लिए दोस्तों डेजर्ट कार। जी हाँ दोस्तों, इसी गाड़ी के अंदर बैठ कर घूमेंगे पूरा थार डेजर्ट। इस गाड़ी के अंदर ही घूमने का मजा आएगा। ये हमारी मंडली है, हमारी थार डेजर्ट अभी चालू हो चुकी है। यहाँ से डेजर्ट लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। इस दूरी तय करने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं जैसलमेर। आपको मालूम नहीं होगा कि हम आ चुके हैं जैसलमेर के थार डेजर्ट के अंदर। इन डेजर्ट में क्या माहौल है, कैसा ऐसा एंजॉय लोग करते हैं, आके दूर दूर से विदेशों तक यहाँ पहुँच पाते हैं, तो आज हम भी यहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ है प्रेम का सफरनामा और बालाजी व्लॉग। ठीक है, बारह से बोल रहे थे, तो पूछे मत। कभी कभी तो 200-300 करोड़ डॉलर आ जाते हैं इनके, तो फिर से वो वापस चढ़ जाते हैं। मेरे साले भी दिस इज बाबा, दिस इज बाबा, इनको बाबा भी बोलते हैं, हम बाबा बोलते हैं इसको। हाय करो बाबा, हाय। क्योंकि कुछ पल है जो याद रहने वाले हैं, यहाँ से हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते, बस यादें लेके जाएंगे वो आपके साथ। तो आप हमारे साथ बन रहे हैं, डिजिटल जो लाइफ है उससे हटके हम आपको लेके आए घरों वाले लाइफ के अंदर। डेजर्ट है पूरे, बाद में रॉयल डेजर्ट आ सर, रॉयल बाद में थार डेजर्ट लास्ट स्टॉक है। वहाँ थान उतर सा, फोटो भी लिया, आराम से बैठे 10-15 मिनट। पूरे बाद में आगे शूटिंग वाला जो पॉइंट देख के फिर निकलेंगे वापस प्लेन पे ले। और सम नहीं चलेगा, सम डेजर्ट लास्ट वाला पॉइंट, सम डेजर्ट लास्ट है थार। तो दोस्तों घूमते घूमते हमें लगभग 2 घंटे तो चलते हुए हो गए, और बाकी का भी 2-3 घंटे पूरा ये डेजर्ट हमने घूम लिया। थार गाड़ी हमने ली थी रेंट पे, उसका लगभग पर पर्सन का किराया लगभग 400 रुपये जो है मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और बाकी जो डेजर्ट है चारों तरफ मैं आपको दिखाऊँगा, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। बाकी रेतीले धोरों की जो मिट्टी की जो खुशबू है, वो खुशबू लेने के लिए लोग कई किलोमीटर कई देशों से यहाँ पर पहुँचते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि चारों तरफ राजस्थान का राज्य पशु कैमल, और वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थार डेजर्ट के अंदर जो गाड़ियाँ चलती है वो गाड़ियाँ चलते हुए आपको दिखेगी। तो हम बैठेंगे पीछे की ओर, क्योंकि आगे जो आनंद है वो इसका आनंद आएगा नहीं, पीछे इस गाड़ी थार के डेजर्ट के अंदर गाड़ी पीछे बैठने का जो आनंद है, जो लुत्फ है, वो हम उठाएंगे आज। कि यहाँ का जो ये अभी वो उड़ नहीं रहा, उस साइड में एक वो दिख उड़ रहा है, दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा। तो
उसमें घूमने का लगभग लगभग 4500 रुपये का यहाँ जो चार्ज है। ये मैं बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको पैसे इतना मतलब कम से कम खर्चा तो होगा ही होगा। अगर उसमें घूमना आपको तो 4500 रुपये का वो चार्ज। गाड़ी के अंदर आपको थार जो डिजिट के अंदर जो गाड़ी चलती है इसके अंदर लगभग ये 2000 रुपये में गाड़ी बुक होती है। अगर पर पर्सन के हिसाब से चले तो महंगा भी पड़ सकता है, कई बार सस्ता भी पड़ जाता है। ऊँट पे लगभग 400 रुपये का बैठने का है। वो क्या है कि 3 पॉइंट घुमाते हैं ध्रुव के अंदर, घुमा के पूरा चारों तरफ सुनसान में। एक बार आपको दिखाना चाहूँगा फिर भी, ये देखिए पूरी ये ध्रुव के बीच में हम बैठे हैं, चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो जो सबसे बेहतरीन जो सुंदर नज़ारा वो इस यहाँ से जो ये गाड़ी नीचे आती है तो वो देख मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार देखना। थ्री टू वन, ऐसे ही कुछ नज़ारे हैं जो इन नज़ारों को कैमरे के अंदर कैद करने के लिए लोग कई दूर दूर से आके एंजॉय करते हैं। और दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये देखिए बहुत ही शानदार नज़ारा। दोस्तों अगर आप भी आने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप आ सके सम डेजर्ट जैसलमेर के अंदर। कई किलोमीटर तक इन हसीन वादियों का आप लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे हमें आया काफ़ी अच्छा लगा और हम आशा करते हैं कि जो भी यहाँ आता है उन सभी को अच्छा लगेगा। यार वो देख रहे हैं हमको, मैं शुद्ध नहीं था। आप भी कभी आए तो इन भैया से आप संपर्क कर सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सलीम खान है। तो क्या चार्ज है आपकी, मतलब हमारा सर 1500 से स्टार्ट है सर, जितना घूमो उस हिसाब से 1500 स्टार्ट। तो यहाँ से लास्ट बॉर्डर कितनी दूर पड़ता है? लास्ट बॉर्डर है असली 65 किलोमीटर। तो वहाँ घूमने के लिए कोई मतलब लोग घूमने के अलाउड भी नहीं है? अच्छा, अलाउड नहीं है। सम गांव यहाँ से 15 किलोमीटर आगे है, उससे आगे जाने नहीं देते। जाने नहीं देते। तो सम गांव में ऐसा क्या है, क्या सम गांव हमारा लोकल विलेज गांव? अच्छा, छोटा मोटा गांव है। और ज्यादातर लोग घूमने यही आते हैं? यहाँ टूरिस्ट पॉइंट यही है। यही है जी। अच्छा, तो यहाँ पे वो डांस वगैरह होता है वो कब होता है? वो शाम के टाइम होटल के अंदर रहता है। होटल के अंदर होता है ना। एक तो लोकल यहाँ रहता है 10-20 रुपए लेते हैं, वो यहाँ पे रहता है शाम के टाइम। अच्छा, चलो तो कोई जैसलमेर आए घूमने तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है? वेलकम सर। तो आपने कांटेक्ट नंबर बताओ। 9521074486। क्या है भैया ये चीज़ आप हमारे को बताएंगे एक बार? ये जो सलमान खान की पिक्चर बनाई थी तो बजेंगी बजान मुंबई। अच्छा, हाँ इंडिया का और पाकिस्तान का जो बॉर्डर दिखा था ये अपना पाकिस्तान बॉर्डर, ऐसे खाली नोकल बताया था पाकिस्तान बॉर्डर। अच्छा, यहाँ से खाली वो जो कैंपिंग लगी हुई है ना, हाँ कैंपिंग के पास में ऐसे सुरंग बना के मुन्नी को पार किया था डेजर्ट के अंदर। अच्छा, वाला पाकिस्तान गांव पार कर दिया। अच्छा, वो जो सामने वाले दो हरे कलर की ओपियाँ लगी हुई है, हाँ वो जो फर्स्ट वाली अपनी इंडिया की गोलियां चलाने के लिए ओपी दिखाई थी। अच्छा, आगे वाली पाकिस्तान की दिखाई थी जो गोलियां चलाने के लिए। अच्छा, इंडिया का और पाकिस्तान का ऐसे नोकल बॉर्डर बनाया था, असली यहाँ से 65 किलोमीटर है। अच्छा, ये खाली नोकल बॉर्डर बना के शूटिंग लिया हुआ, शूटिंग पॉइंट डेजर्ट में थार डेजर्ट। अच्छा, ठीक है। अभी अपना पूरा प्लान रहेगा जाने के लिए, वापस आराम से बैठ सकते हो, खड़ा रहना तो खड़े रह सकते। ओके सर, ओके, थैंक यू, वेलकम। और आपको मालूम है मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद बाकुलिया, तो अगर आप भी आना चाहें तो आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहे ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। हमारे साथ है कलम 5 से 6 जने की टीम है जो लगभग आपको पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा इंडिया आपको घुमाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यहाँ घूमने के बाद ये खिंचाई हमने कुछ फोटोज और फिर हम निकल पड़े हमारे होटल की तरफ, जहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ एकदम सुनसान इलाका है। हम और हमारी टीम पूरी थार के गाड़ी के अंदर बैठ के वापस निकल चले थे और इस सफ़र का आनंद ले रहे थे। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा अगर आप भी आना चाहते हैं तो हमने जो वीडियो के अंदर बताया यही कुछ यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। शूटिंग पॉइंट के नाम पर रेतीले धोरे दिखेंगे और आपको कुछ भी नहीं दिख, बाकी यहाँ आने के बाद आनंद आपको आ जाएगा। इसके बाद अभी हम थोड़ा सा
कुल तरह देख के फिर निकलेंगे।